मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 19वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। कल हम मनन कर रहे थे कि किस प्रकार एक पापी प्रभु यीशु के खून के द्वारा शुद्ध हुआ और सिद्ध होता है। हमें प्रभु ने शुद्ध किया है और प्रभु के लिए अपने लिए अलग किया है और परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार हमें सिद्ध भी किया है। जब परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने लिए अलग किया है, हमारे इस पृथ्वी के थोड़े दिन के वास के लिए नहीं, परंतु प्यारे अजीजो अनंत काल के लिए किया है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा पुराना स्वभाव सुधरे ताकि परमेश्वर का स्वभाव दिख सके, लेकिन बिल्कुल विपरीत, परमेश्वर का सिद्ध काम हमारे जीवन में नए सृष्टि का काम करते हुए है। हमें याद रखना है, परमेश्वर हमारे इस पापमय स्वभाव को हम में रहने इसीलिए देता है ताकि हम अपने दैनिक मसीह जीवन में ध्यान से चल सकें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो काम आरंभ किया है उसके विषय में हम गंभीर रहें, क्योंकि स्वर्ग ने सबसे भारी कीमत दी है ताकि हमें छुड़ाएं, हमें पाप के गुलामी से आज़ाद करें और हमें शुद्ध करें। पुराने नियम में महायाजक अपनी सेवा को कितने गंभीरता से लेता था, वो अपने आप को तैयार करने में कितना मेहनत करता था। अगर उसमें कोई गलती हुई तो वो कभी भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर हमें भी आज्ञा दिया होता कि हमने भी शुद्ध करना है, तो बेशक वो पर्दा फट गया तो भी हम कभी भी उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन मसीह यीशु के उस खून के काम को जरा देखें, वो खून जो हमारे ऊपर छिड़का गया है, उस खून ने हमें शुद्ध पवित्रता का वो दिलेरी दिया है, हमें सिद्ध किया है परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार, और ये सब परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारे जीवन में किया। प्रभु यीशु के खून ने परमेश्वर की धार्मिकता की सारी मांग को पूरा किया है। भीतरी तौर पर जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं, हम कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवित्र परमेश्वर जब हमें देखता है, हम सिद्ध हैं क्योंकि प्रभु यीशु का बहुमूल्य खून हमारे ऊपर छिड़का गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको समझ में आया है कि प्रभु यीशु मसीह का खून कितना बहुमूल्य है? बहुत परेशानी होती है जब हम आज विश्वासियों को देखते हैं जो प्रभु यीशु के खून की कीमत को समझते नहीं है। वो सोचते हैं प्रभु यीशु का खून दुष्टात्मा को भगाने के लिए और बीमारी से चंगाई पाने के लिए है। उस पैसा के रात का वो दृश्य को जरा ध्यान रखें, जिस दिन परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा था कि अपने घर के बाहर चिन्ह के तौर पर खून लगाना, और परमेश्वर जब उस खून को देखेगा तो सामने से गुजरेगा और उस व्याधि को उन्हें नाश करने नहीं देगा। वो जो खून का निशानी मौत के दूत के लिए नहीं था, उस नाश करने वाले के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर के लिए वो चिन्ह था। और परमेश्वर ने नाश करने वाले को उनके घरों में घुसकर परमेश्वर के न्याय को पूरा करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि एक निष्कलंक मेमना ने कीमत दे दिया है। अगर वो पसा का मेमना, निष्कलंक मेमना, इतना परमेश्वर के नजर में इतना बहुमूल्य है, परमेश्वर धर्मी है। जब परमेश्वर उस खून को देखता है, वो खून परमेश्वर के धार्मिकता की मांग को पूरा करता है, और ये खून
जिस व्यक्ति के ऊपर छिड़का गया उसको सिद्ध करने के लिए भी शक्तिशाली है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मुझे वो दिलेरी है, क्या मुझे वो एहसास है कि मेरे पाप माफ हुए, क्या मेरा विवेक मुझे वो तसल्ली देता है कि मैं सुरक्षित हूं यीशु के खून के अंदर, क्या हमारा प्राण और आत्मा उसमें वो शांति है कि मेरे ऊपर आगे दंड की कोई आज्ञा नहीं। उस रात पूरा मिस्र चिल्ला रहा था, विलाप कर रहा था, लेकिन इसराइल की प्रजा को अंदर ही अंदर वो शांति महसूस होती थी, क्योंकि जिस घर के ऊपर खून लगा था उस घर के अंदर वो सुरक्षित थे। सो हम जब पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, जो पाप को नफरत करता है और पापियों का न्याय करता है, हमें वो दिलेरी है और तसल्ली है कि हमने मृत्यु से जीवन में प्रवेश किए हैं। जब पूरा दुनिया ये कोविड के महारोग से परेशान है और जब वो दुनिया सोचती है कि परमेश्वर का सजा है, परमेश्वर के जन के अंदर वो शांति है कि मेरे पाप माफ हो चुके। क्या ही धन्य पर व्यक्ति है एक विश्वासी जो परमेश्वर के अनंत काल के सजा से बच गया। हम जिन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हमें पवित्र पर उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सहायता भी किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका बहुमूल्य खून जो हमारे लिए बहाया गया, जिसने हमें वो दिलेरी दी कि हम आपके चरणों में आ सके, आपको अब्बा पिता बुला सके। बाप, आपके किए हुए काम की गंभीरता को समझते हुए, उस बहुमूल्य रक्त की कीमत को समझते हुए ध्यान से चलने के लिए हमें मदद करें। प्रभु आज के दिन के लिए हमें ज्ञान और समझ दे। सब महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम एक एक को सहायता करें आज का दिन प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, ताकि जो भी हमें देखे परमेश्वर की महिमा देख सकें। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारनाथा।